क्या किसान आंदोलन पर आज फाइनल फैसला हो जाएगा? सरकार और किसान संगठनों के बीच आज आठवें दौर की बातचीत होगी। पिछली बातचीत में 50% बात मान ली गई थी, 50% पर फैसला आज होगा। किसान संगठनों की दो मुख्य मांगे अब भी है। वो चाहते हैं कि सरकार तीनों कृषि कानून रद्द करे और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर कानून बनाए, लेकिन सरकार कानूनों को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है और बात इसी पर आकर अटकी हुई है। दिल्ली की फिजाएं सर्द हैं, मगर किसान आंदोलन गर्म है। ठिठुरन भरी हवाओं के बीच किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं। बारिश भी किसानों के हौसलों को नहीं डिगा पा रही है। 39वें दिन भी किसान टस से मस नहीं हो रहे हैं, मगर आज का दिन किसानों के लिए अहम होने वाला है, क्योंकि आज किसान संगठनों और सरकार के बीच आठवें दौर की बातचीत होनी है। बहुत संभव है कि आज बैठक के बाद गतिरोध खत्म हो। जो सरकार है, केंद्र सरकार को अपना भतीरा जो अड़ियल भतीरा है, हटकर जो हठधर्मी बना रही है, उसको ये छोड़ना चाहिए और किसानों की मांगों पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। जो हमने तीन कृषि कानून रद्द करने की बात किया, हमारी बात वही अड़ी है और किसान जब तक ये कृषि कानून खत्म नहीं किए जाते वापस नहीं जाएंगे, यही आंदोलन जो है वो बढ़ता जाएगा। इस बातचीत से पहले किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो अपना आंदोलन और तेज करेंगे। 13 तारीख को जो कृषि कानून है उनकी कापियां जलाकर लोहड़ी का जो त्योहार है उसको मनाया जाएगा और 6 से 20 तारीख तक अलग अलग तरीके से जैसे भी लोग चाहें पूरे भारत में वो किसानों के पक्ष में, इस आंदोलन के पक्ष में धरना करें, मार्च करें, ट्रैक्टर से फ्लैक्स लगाएं। ये पंद्रहवाड़ा जो मनाया जाएगा तो ये 6 से 20 तक होगा। इधर किसान आंदोलन कर रहे हैं तो उधर किसानों पर सियासत जारी है। जहां सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा, वहीं राहुल गांधी ने भी ट्वीट के जरिए मोदी सरकार को निशाना बनाया। किसानों को MSP की लीगल गारंटी न दे पाने वाली मोदी सरकार अपने उद्योगपति साथियों को अनाज के गोदाम चलाने के लिए निश्चित मूल्य दे रही है। सरकारी मंडियां या तो बंद हो रही हैं या अनाज खरीदा नहीं जा रहा। किसानों के प्रति बेपरवाही और सूटबूट के साथियों के प्रति सहानुभूति क्यों? उधर जयपुर में भी किसानों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट धरने पर बैठे। सचिन पायलट ने किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा। अगर किसानों के साथ खड़ा होना राजनीति है तो हम राजनीति कर रहे हैं, अगर किसानों का समर्थन देना राजनीति है तो राजनीति कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन किसानों के नाम पर आपने जो ये षड्यंत्र रचा है, और केंद्र की सरकार को समझना चाहिए कि सरकार अगर कुछ निर्णय वापस लेती है तो कोई हार नहीं है। सियासत जोरदार है, विपक्ष सरकार पर हमलावर है और सरकार किसानों को समझाने के लिए जोर आजमाइश कर रही है, मगर किसान अपनी मांगों पर अड़ा और डटा है। अलवर के शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हुई। इस झड़प में किसानों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया तो पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे। तो किसानों और सरकार के बीच की लड़ाई जारी है। उम्मीद कीजिए कि आज इस लड़ाई को खत्म करने वाला कोई फैसला सामने आ जाए। आज तक ब्यो। राजधानी दिल्ली में दिल दहलाने वाला हत्याकांड सामने आया है। छतरपुर एक्सटेंशन इलाके में एक महिला ने अपने पति पर चाकू से दर्जनों वार करके उसकी हत्या कर दी। महिला ने खुद को भी चाकू मारकर आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया। पुलिस अब अंदर पहुंची जब तो पूरे घर में खून बिखरा हुआ मिला। महिला ने पति के कत्ल के बाद सोशल साइट पर इस हत्याकांड का कबूलनामा भी पोस्ट किया है, जिसे पढ़कर पति के घर वालों ने पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद इस वारदात का खुलासा हुआ। दोनों ने 7 साल पहले लव मैरिज की थी, लेकिन इनका कोई बच्चा नहीं था और इसी बात को लेकर विवाद था।
भाई जब हमें ये पता चला कि ऐसे ऐसे यहाँ पे हुआ है तो हम भी वहाँ पे पहुँचे और पता किया, तो वो कहते कि ऐसे ये किराएदार थे चौहान साहब के घर पे, जो हमारे दोस्त भी हैं उनके घर पे जो किराएदार थे वो काफ़ी 6-7 साल से रहते थे वहाँ पे, और कोई ऐसी बात भी नहीं थी। तो यही पता लगा कि उन लोगों ने क्या नाम सुसाइड करा है, लड़की ने पहले उसको मारा है हस्बैंड को, फिर खुद को उसने वो क्या नाम मारने की कोशिश की है या मारा है, ये हमें इसकी सूचना मिली थी, पता लगा था। आपको बता दें दिल्ली समेत उत्तर भारत में आज भी बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में ओले भी गिरेंगे, वहीं पंजाब हरियाणा समेत तीनों पहाड़ी राज्यों में जोरदार बारिश का अलर्ट है। 2-3 दिनों तक बारिश के दौर के बाद फिर से शीतलहर का प्रकोप शुरू हो जाएगा, यानी कि सर्द आफत का फिलहाल कोई अंत नहीं। सियार की सुबह सीहर पैदा करने के साथ तरपतर करने वाली, आसमान पर डेरा डाले बादल इस कदर बरस रहे थे मानो जनवरी नहीं जुलाई का मानसूनी महीना। सुबह सुबह शुरू हुई बरसात रुक रुक कर पूरे दिन जारी रही। दिल्ली हो या उसके आसपास के इलाके, हर तरफ मौसम की मार पड़ रही थी। दिल्ली से लेकर नोएडा और गाजियाबाद तक बादल जमकर बरसे। सुबह के 5 बजे शुरू हुई बारिश कुछ देर के लिए थमने के बाद फिर से बरस जाती। कुछ इसी तरह वो शाम तक जारी रही और बादलों ने भी डेरा जमाए रखा। कड़ाके की ठंड के बीच हुई बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी। वहीं दिल्ली की ये तस्वीरें बता रही है कि नए साल में सर्दी दोहरी मुसीबत लेकर आई है। राजपथ से लेकर अक्षरधाम तक, चांदनी चौक से लेकर बुंडका तक, आरकेपुरम से दिल्ली कैंट तक सुबह से ही दिल्ली में रिमझिम बारिश होती रही। दूसरी तरफ रविवार की सुबह दिल्ली वाले इस अनचाही मुसीबत से बचने की कोशिश करते नजर आए। जनवरी में कड़ाके की ठंड के साथ बरसात ने परेशानी बढ़ाई तो हैरान भी किया। दक्षिणी दिल्ली के तमाम इलाकों में भी बारिश ने लोगों को घरों में ही दुबकने पर मजबूर कर दिया। कालकाजी से लेकर लाजपत नगर तक और तुगलकाबाद से बदरपुर तक हर तरफ सड़कें करीब करीब सूनी नजर आई। एक तो ठंड, ऊपर से बारिश, ऐसे में रविवार की छुट्टी की वजह से वही लोग बाहर निकले जिनके लिए ऐसा करना जरूरी था या कोई मजबूरी थी। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश की वजह से न्यूनतम तापमान थोड़ा बढ़ गया है। सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं 25 मिलीमीटर बारिश हुई। पालम में न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि वहां 18 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लेकिन बढ़े हुए तापमान के बावजूद बारिश ने राहत कम दी और मुसीबत ज्यादा बढ़ा दी। इस खराब मौसम के बीच दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का धरना जारी है। कड़ाके की सर्दी का सामना कर रहे किसानों को बारिश से भी जूझना पड़ रहा है। अब जो बारिश आ रही है या ठंड पड़ रही है इसका कोई भी असर नहीं है। ये असली किसान है जिन्होंने गेहूं की फसल की बुआई की है, जाड़े के दिनों में ही ये उसकी तैयारी करते हैं। हमारे को कोई तकलीफ नहीं होती, हम गुरु गोविंद सिंह की फौज है और 1 बजे उठ के ठंडे पानी से नहाने वाली फौज है। सुबह उठ के 1 बजे उठ के 7 बजे तक का हमारा नियम है पाठ करने का। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप देखो पूरा इंतजाम है, वाटर प्रूफ टेंट लगाए हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि अपने हौसले को बुलंद रखने के लिए इस खराब मौसम में उन्होंने कबड्डी मैच खेला। इस बीच मौसम विभाग ने चेताया है कि अगले 4 दिन दिल्ली पर भारी पड़ेंगे। उसने पहले भी इसकी चेतावनी दी थी जो सच साबित होती दिख रही है।
दिल्ली एनसीआर में काफी इंटेंस थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग हो रही है, साथ साथ लाइट से मॉडरेट रेनफॉल भी दिल्ली एनसीआर में हो रही है। और ये एक्टिविटी हमारे पास एक इंटेंस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हो रही है और जिसका प्रभाव पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है, दिल्ली एनसीआर में है। तो इसके चलते पहाड़ों पे हमारे पास जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में आज से लेकर के 6 तारीख तक रेनफॉल रहेगी और स्नोफॉल होने की भी चांसेस है। मौसम विभाग की नई चेतावनी आई है, दिल्ली एनसीआर में ओले गिरेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को पश्चिमी विक्षोभ अपने उच्च स्तर पर होगा और बिगड़े मौसम की मार अभी 6 जनवरी तक रहेगी। मौसम विभाग की तरफ से पहले ही अंदेशा जताया गया था कि साल की शुरुआत के तीसरे दिन से दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के साथ साथ बारिश भी होगी। साथ ही आने वाले दिनों में शीतलहर का प्रकोप एक बार फिर दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत में तेजी से बढ़ेगा, जिससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। नए साल का स्वागत घने कोहरे और 1.1 डिग्री के टॉर्चर ने किया था। उस दिन पिछले 15 साल का रिकॉर्ड टूट गया था। अब मौसम और खराब होने का अंदेशा है। बारिश के साथ ओला गिरने की चेतावनी डरा रही है। अरविंद ओझा और रामकिंकर सिंह के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। और बात करें अगर कश्मीर की, तो कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। इसकी बला की खूबसूरती से हर कोई यहां पर खिंचा चला आता है और फिर बर्फबारी के बाद तो यहां का नजारा ही कुछ ऐसा होता है कि लोग हमेशा उसे अपनी यादों में बसा लेना चाहते हैं। जहां एक तरफ भारी बर्फबारी से यहां पर जनजीवन लेकिन अस्त व्यस्त है, तो वहीं स्नोफॉल से सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं। बरस रहा है आसमान, पहाड़ बन रहे बर्फिस्तान, बर्फीली सर्दी की जद में आधा हिंदुस्तान। कुदरत की इस नियामत को समझिए, निहारते रहिए, क्योंकि जन्नत सा ये नजारा कम ही देखने को मिलता है। देखिए कैसे रुई के फाहे की तरह आसमान से बर्फ पूरी नजाकत के साथ उतर रही है, वो भी सीधे श्रीनगर की डल लेक में। दुनिया भर में मशहूर इस लेक की चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। जैसे जैसे पारा नीचे गिर रहा है, इस लेक में पानी का भी काफी हिस्सा तेजी से जमता जा रहा है। किनारों पर खड़े शिकारों पर भी बर्फ ने अपना कब्जा जमा लिया है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बर्फबारी से जबरदस्त शीतलहर चल रही है। घाटी में तो जैसे सफेद चादर ही बिछ गई है। श्रीनगर का लाल चौक पूरी तरह से बर्फ में लिपटा हुआ है। सड़कों पर भी बर्फ ही बर्फ, घरों पर भी बर्फ ही बर्फ। श्रीनगर के ये बाजार लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से सुनसान पड़े। इस सन्नाटे को तोड़ती है तो बस पक्षियों की चहचहाहट। श्रीनगर की सड़कों पर लोग भी ना के बराबर हैं। शहर और आसपास के ऐसे इलाके जरूर सैलानियों से भरे नजर आ रहे हैं, जहां बर्फ में खेलने की खूब गुंजाइश है। दूर दूर से आए सैलानी यहां बर्फबारी का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। बच्चे बर्फ से पूरी मस्ती में खेल रहे हैं और युवाओं के लिए मौज मस्ती का ये परफेक्ट डेस्टिनेशन बन गया है। जाहिर है सैलानियों के लिए ये बर्फीला मौसम फुल पैसा वसूल कराने वाला है। Yeah, it's amazing feeling. I mean, we didn't expect it. बट अभी बहुत सही लग रहा है। कल ही हम लैंड हुए हैं यहाँ से, बहुत बढ़िया स्नोफॉल शुरू हुआ है। सो या अमेजिंग, यहाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आ रहा है। इतना खूबसूरत है कि हकीकत जो सुना था वही है, उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़ कर लगा। बच्चे बोल रहे थे हमें बर्फ़ दिखा के लाओ, तो हम बर्फ़ दिखाने के लिए आए थे इनको। बहुत अच्छा खूबसूरत नज़ारा आ रहा है, मज़ा आ रहा है बहुत। श्रीनगर में ये वीकेंड जबरदस्त बर्फबारी के साथ आया है। ठंड बढ़ती जा रही है और पारा लगातार नीचे गिरता जा रहा है। लगातार हो रही बर्फबारी से सड़कों का हाल बदहाल हो गया है। बर्फ की सफेद चादर में लिपटी इन सड़कों पर वाहन चलाना खतरनाक साबित हो रहा है। देखिए कैसे ये गाड़ी सड़क पर दौड़ते हुए फिसलने लगी और 360 डिग्री तक घूम गई। इसके बाद अगले मोड़ पर किसी तरह वो रुक गई और मौका देखते ही लोग उसमें से उतरकर भागने लगे। हालांकि सड़क पर बर्फ की वजह से फिसलन ने उनका भागते हुए भी पीछा नहीं छोड़ा। रविवार सुबह को जब कश्मीर में आम लोगों की आंख खुल गई, तो हर तरफ कश्मीर
बर्फ की नई सफेद चादर में लिपटा हुआ था। दरअसल ये अनएक्सपेक्टेड स्नोफॉल है। मौसम विभाग ने कहा था कि 3 जनवरी को सिस्टम में एक डिस्टर्बेंस कायम होगी, जिसके बाद 3 दिन तक उसका असर रहेगा और बर्फबारी 4 और 5 जनवरी को होगी। लेकिन उससे पहले ही रात में ये बर्फबारी कश्मीर में शुरू हो गई है और अभी भी लगातार हो रही है। श्रीनगर में 3 इंच बर्फबारी जो है सड़कों पर जमा है, जबकि दूसरे इलाकों में ये 1 फुट से भी ज्यादा पार कर गई है और फिलहाल लोगों को इस बर्फबारी से राहत मिलने की उम्मीद भी नहीं है। यहां तक कि कश्मीर के कई सारे हिस्से जो हैं वो कटे हुए हैं बर्फबारी के चलते, कस्बों से, शहरों से, और फिलहाल उसमें कोई राहत की उम्मीद भी नहीं है क्योंकि ये बर्फबारी 3 दिन तक जारी रहेगी। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग, श्रीनगर करगिल हाईवे, श्रीनगर गुरेज रोड, श्रीनगर बांडीपोरा रोड, सभी सड़कें जो हैं इस बर्फबारी के बाद बंद पड़ी हैं। अब बर्फ हटाने का काम शुरू हो रहा है, जिसमें लगातार ऊपर से हो रही बर्फबारी से दिक्कतें भी आ रही है बर्फ हटाने में। यहां तक कि तापमान की बात करें फिलहाल वो 0 से नीचे है ही, लेकिन आने वाले दिनों में और ठंड बढ़ेगी, न सिर्फ यहां कश्मीर में बल्कि पूरे जो है उत्तरी राज्य हैं देश के, वहां पर भी इस बर्फबारी का असर देखने को मिलेगा। सैलानियों के लिए यह मौसम जरूर मस्ती वाला है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए परेशानी भी कम नहीं है। रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए उनकी आवाजाही कई चुनौतियों को लेकर आ रही है। इन मुश्किलों को कम करने के लिए जगह जगह सड़क से बर्फ हटाने का काम भी जोरों पर है। श्रीनगर में लगातार हो रही बर्फबारी का असर जम्मू तक पड़ा है। बनिहाल टनल के पास हो रही बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जम्मू के ट्रैफिक को रोकना पड़ा, इससे हाईवे पर वाहनों की कतार लग गई। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक। सुशांत मेहरा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे राजपथ से। सुशांत, 6 जनवरी तक आफत बताया जा रहा है, आज 4 जनवरी ही है, आगे क्या होगा और दिल्ली वालों को और कितनी ठंड और बारिश झेलनी होगी? देखिए श्वेता जी, मौसम का कहर जो है वो लगातार जारी है। साल का शुरुआत जो था, जिस तरीके से 15 साल का रिकॉर्ड टूटा और कल जिस तरीके से लगातार सुबह 5 बजे से लेकर के 12 बजे तक लगातार बारिश जो है वो दिल्ली NCR के अंदर होती रही, उसने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि इस वक्त दिल्ली और NCR के चारों तरफ जो है वो घने बादल जो है वो छाए हुए हैं। मौसम विभाग की तरफ से पहले ही अंदेशा जताया गया है कि अगले 2 दिन तक दिल्ली NCR के अंदर हल्की हल्की बारिश जो है वो हो सकती है और आज ओले भी जो है वो दिल्ली के अंदर जो है वो गिर सकते हैं। कोहरे की चादर से पूरा राजपथ जो है वो ढका हुआ है। राष्ट्रपति भवन पर भी आप देखेंगे कि कहीं तक दूर तक कोहरे की चादर से पूरी तरह से लिपटा हुआ है, विजिबिलिटी काफ़ी कम है और इसी तरीके का मौसम अगले 2 से 3 दिन तक बना रहेगा। 6 जनवरी तक दिल्ली के मौसम की अगर बात करें मौसम विभाग की तरफ से, तो बारिश जो है वो होगी, ओलावृष्टि भी हो सकती है और उसके बाद एक बार फिर से शीतलहर का प्रकोप जो है वो दिल्ली NCR के अंदर वापस आएगा, यानी कि तापमान में एक बार फिर से गिरावट जो है वो दर्ज की जाएगी और लगातार पिछले कई सालों का जो रिकॉर्ड टूटते हैं नए रिकॉर्ड भी जो है वो सामने नजर आएंगे, क्योंकि यानी कि लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, हालांकि बारिश के बाद पारा थोड़ा ऊपर चढ़ा, लेकिन सर्द मौसम में बारिश का एहसास ही कपकपा देने के लिए काफी होता है। मौसम विभाग कह रहा है कि 6 जनवरी तक यही हाल रहेगा, इसके बाद 7 जनवरी से उत्तर भारत एक बार फिर कड़ाके की शीतलहर के चपेट में होगा। सुनिए एक हफ्ते की मौसम की भविष्यवाणी। ये जो वेट स्पेल और जो क्लाउडी वेदर, जो रेन, ये बीच बीच में होएगा 4th और 5th को, और बाकी इलाका अगर पंजाब, हरियाणा और जो प्लेन्स एरिया है, पश्चिम उत्तर प्रदेश या उत्तर राजस्थान, तो ये एरिया में भी ऐसे ही मतलब 3, 4, 5 को वेदर रहेगा, बट पंजाब में ज़्यादा होगा, 3 और 4 को हैवी रेनफॉल मानेंगे हम लोग दिए हैं, हरियाणा भी दिए हैं। और जो पहाड़ी इलाका है, जैसे हिमाचल है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, वो कल रेन स्नो शुरू हुआ है और 4 और 5 मतलब कल और परसों हैवी रेन स्नो का हम लोग ऑरेंज कलर वार्निंग दिए हैं। प्लेन्स में भी 3-4 को हैवी रेन का वार्निंग पंजाब, हरियाणा दिए हैं। तो ये जो वेट स्पेल है, ये एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और लोकल सर्कुलेशन जो बना है और पूर्वी जो मॉइस्चर लेके आ रहा है बे ऑफ बंगाल से, इसके वजह से चल रहा है और ये लंबा 6 तारीख तक चल रहा है। और उसके बाद जो है, जैसे ही सिस्टम ईस्टवर्ड मूव होगा, पूर्व को चला जाएगा या लेसमार्क होगा, तो सडनली कोल्ड स्पेल शुरू होगा 7 तारीख की सुबह।
पंजाब और अडजाइनिंग हरियाणा, इस बार जो है वेस्ट पार्ट जो है वो ज़्यादा देखा रहा है, चुरू गंगानगर लेके अमृतसर वो पार्ट में पहले होगा। तो 7-8 को हम लोग इसकी कलर कोडेड ऑरेंज वार्निंग जारी किया है, कोल्ड वेव, सीवियर कोल्ड वेव। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।